अब एक महल की सबों को टमाटर उबालना तक नहीं आता। आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया है आज को। आ गया मम्मी का स्पेशल सूप। वही तो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। अभी मैं सबसे पहले पी रही हूँ गर्म पानी टूटी हुई गर्दन के साथ। हेलो कर लो। हेलो। यहाँ पे लोग जा रहे हैं और ये कुछ कपड़े फ्रेंड्स मैंने और निकाले थे कुछ घर वालों के लिए, कुछ खाला लोग ले जाएंगे वहाँ पे, तो बस वो भी लोग लेके जा रहे हैं। मैंने अपने जिम शिम वाले कपड़े पहन लिए क्योंकि मैंने बुलाई है आज से योगा टीचर घर पे। हम जिम भी जाएंगे लेकिन घर पे भी कुछ, जैसे कभी मिस हो जाता है जिम का टाइम नहीं मिलता। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, उसमें कुछ कुछ चीजें बड़ी निकली लेकिन थायराइड नॉर्मल है, पीसीओडी थोड़ा बड़ा हुआ है। बस जल्दी में निकल गए क्योंकि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया है आज का और बस 3 बजे तक बैठेंगी। तो अभी चाय भी नहीं पी तो सही से पैक करा दिए, मैं कार में पी लूंगी। ट्रेनर से भी मिल लिया हमने, वो आज सेशन नहीं दे पाए क्योंकि हमें लेट हो रहा था, कल से स्टार्ट करेंगे। नमाज पढ़ी आवा? बाकी लोग कहाँ हैं? नमाज पढ़ ली। गुड गर्ल, माशाल्लाह। ये चाय ज्यादा हो गई क्या? इतनी सारी भर के लिए पीते ही नहीं बन रहा। नहीं उसने भरा, योगी जी ने, मैंने थोड़ा भरा है उसको। तू पर गाड़ी चल रही है तो अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी मोहब्बत में तो चाय लेके आए, पी लो, आज ज्यादा पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में मुश्किल हो रहा है, मुँह भी चल रहा है, इतनी आराम से आराम से आराम। सारा भी पीछे एडिट करता रहेगा, साथ साथ हम देखते भी रहेंगे क्योंकि एक 1.5 घंटा तो हमें पहुँचने में ही लगता है। हाँ और काम भी बहुत सारा था तो इसलिए हम लोग सारे लोग साथ में निकल आए, सौरभ भी आ गया, सब लोग आगे साथ। अभी सब नमाज हो गई ना, जमा छुट्टी है, सब लोग फ्रूट्स ले रहे हैं। तो फ्रेंड अभी दिखा दिया है सभा को, डॉक्टर को, सभा ले रही है दवा, चलते हैं लोकन वाला, वहाँ पर कुछ काम है। आ जल्दी इतना बड़ा चीता फल अम्मी हॉस्पिटल में दिखा दिया, उसके बाद जा रहे हैं हम लोखन वाला, इनको रास्ते में दिख गए फ्रूट के ठेले, तो बस अब ये चालू है यहाँ पे। अनार भी ले लो सनी, अनार भी दे दो। ये कैसा खरबूजा है देखो, मीठा तो है। लो अम्मी चेक करो, बहुत ही मीठा है, ऐसा लग रहा है इंजेक्शन डाल दिया। अरे इतना ज्यादा मीठा है ना, दे दो। क्या हिसाब दिया? 100 का 1.25 किलो दे दो। कह रहे हैं अल्लाह से तौबा करो, इंजेक्शन नहीं डाला। चलो ये भी लो। कहाँ के रहने वाले? पीछे वो तो 100 रहने वाले। मसाला दे दो, अभी खाना है। अरे तुम भी खाते जाओ। हाँ यही आ रहे हैं हमें अभी। सुनो भैया, भैया कटवा के काट दो ये पानी से। सनी वो धुलवा के कटवा रही है। चलो भैया बैठ जाओ। चलो थैंक यू, बाय। बम्बई शहर में घूम रहे हैं इतने बड़े, ऐसे हमने खरीदा है आज के पाल, जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं जंगल में, कोई ढाबे में फिर आप जंगल में लगे रहते हो, उनने को जल्दी से उतर के सब कुछ ले लें जो जो हो रहा है। ये भी ले लो, ये भी ले। आपने ऐसा भी हम लोगों ने काम किया, जैसे हमने 6 महीने से फल नहीं खाए हो। वो लोग भी सोचते होंगे पता नहीं कहाँ के कोई है जो इतना पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स तो अल्लाह की नेमत है। और अच्छा नहीं है तो दिन का, अच्छा दिन का खाना भी नहीं खाया, मसाला भी लगवा लिया। आँख में मत लगा लेना मिर्ची, खाने के बाद मत जाओ। हाँ मिर्ची पता चला आँख में लग गया। नहीं नहीं गरम, वो बड़ा वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला, ऑयल रखने के लिए। कैसे कैसे ऐसे? हाँ ये वाला है, कौन सा चाहिए देखो, ऐसे आएगा। हाँ, ये भी सही है, ये लो ऐसी वाला, ठीक है ये दे दीजिए। तेल भरना भी इजी है, यहाँ से डायरेक्टली तेल भर सकते हैं और निकालना भी इजी है। दो दे दीजिए पराठा सेकी वाला, बड़ा ले लो, इसमें एक बार में पूरा पराठा दब जाएगा। चलो इलेक्ट्रिक केटल देख लो, यही सबसे अच्छी होती है ना, सबसे अच्छा हैवेल्स ब्रांड है ना, ठीक है चलाना। बाहर से गर्म नहीं होती है, बता दो। ये यहाँ से खुलेगा, ऐसे रख देने का, डायरेक्ट ऊपर रख देने का। यहाँ से भी कुछ होता है, ऑन ऑफ होता है, ऑन ऑफ, ठीक है बाकी हम घर पे बता दें। ये वो ले लो जो रिजा यूज करी थी, पेपर सोप, ट्रेन में काम आएगा ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े से में इतना झाग हो जाता है। कल देखा था ना। हाँ, एक मुझे ये छोटा वाला दे देना भैया, छोटा ठीक है, छोटा ठीक है, ये बड़ा अच्छा नहीं। दे दीजिए चाय की, तुम्हें चाहिए? नहीं रखिए। हाँ एक हार्ड दे दो और एक ओवल दे दो। हार्ड हो गया, ठीक है। क्या अम्मी कभी कसाड़ी ले ले लो, दो तेल रखने के ले लो, एक ऐसी और दे दीजिए। सबसे बड़ा साइज है, सबसे बड़ी साइज है हमारे पास, भी बड़ा चाहिए। हाँ, बड़ी कभी मंगवा के देना हमें। हम कितने दिन का बिरयानी, कितने किलो का बिरयानी? बिरयानी तो चिकन बनता है, चिकन बनती है तो बिरयानी पॉट दे देता हूँ, बड़ी साइज का आएगा इतना। ये चाय के लिए मग पे रखो, डायरेक्ट नहीं नहीं, तुम ये हमें ओवन के ऊपर क्यों ना जाए, इतनी गैस से बड़ी छोड़ देगा। मैगी बनेगी इसमें, सनी का
ऑमलेट बनाऊंगी। भी नहीं होता ना चक्कन के साथ। एक यूजफुल आइटम है। तो हमने बर्तन सब कुछ ले लिया है फ्रेंड्स, अब चलते हैं खाना खा लेते हैं, मतलब लंच कर लेते हैं। चलो बैठो। फ्रेंड्स हम लोग हाई पॉइंट काफी दिनों बाद, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे लंच। फ्रेंड्स मैं पनीर ज्यादा नहीं खा रही हूँ क्योंकि पीसीओडी हाई है और उसमें ज्यादा मिल्क वाले प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो मैं सब्जी खा लेती हूँ। खा के फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या कर रहे थे तुम लोग? रिसेप्टी ऊपर वो वड़ा पाव बना रही हूँ, अपना होमवर्क कर रहे थे। क्यों बना रही है? लेकिन वड़ा पाव मत बनाओ घर पे। बन गया वड़ा पाव? ऊपर रखा है, तुम देखती जल्दी बना लियो। पे रख दीजिए। 1 बजे निकले थे, 6 बजे आ पाए। फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे काम थे, तो सबसे बड़ा काम था वो था सबा को डॉक्टर के पास लेके जाना, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। उसके बाद जैसे हमने दिखाया कि मेरी शॉप पे भी काम चल रहा है, और कल इंशाल्लाह हमारा जो नया वाला फ्लैट है तो वहाँ पे होनी है कुरान खानी, तो वहाँ भी थोड़ा क्लीनिंग करवानी थी, फैन लगवानी थी क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, तो वो सब भी काम कर लिए हैं। अभी जब मैं घर आया हूँ तो यहाँ पे चल रही है वीडियो की एडिटिंग, इंस्टाग्राम की अनबॉक्सिंग भी, इधर बच्चे कुछ कर रहे। तुम लोग क्या कर रही हो? ये देखो इनका क्या चल रहा है। ये हम लोग वड़ा पाव, शांति ने बोला मेरे लिए नॉर्मल बनाओ, बाकी फिर अलग स्टाइल के बनाओ। ये सब लोग बोलेंगे कि डाइट करिए, वड़ा पाव बनवा के खा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा है, आप सबको पता है कि रिजा को पसंद है कुकिंग करना, उसने देखी कोई शॉर्ट्स में रेसिपी, अब वो कह रही है मैं ट्राई करूंगी, तो फिर मैंने कहा ठीक है अगर बना ही रही है बच्ची वैसे, तो फिर आधा तो खाना बनता है। सारा देखो क्या आधा खा लेना, लेकिन उसके बाद 1 घंटा वॉक कर लेना। वो तो खा लूंगी। मैंने उसको एक काम दी कि तुम उसमें अच्छे से लगा दो, उसको बोला फॉइल लगा दो, वही तो कर रहे हो कैसे लगाते हुए, इसको तोड़ेंगे पहले तो फाइल लेना, मुझे क्यों पूछ रही है, अभी खराब हो जाएगी। करो इसको ऐसे, अरे तुम ऐसे फाड़ लो ना इसको, ऐसे कर नहीं, उसे को सीखने, उसको ही करने दो, जरा खोलो उसे, कर लेगी क्या बोल लिया, ऐसे सीखेगी बेटा, ये तो नहीं उसे आता है। सोचो उसको सीखना होता जब मैं यहाँ बनाई थी, आज आती हूँ नहीं आई, अपना होमवर्क कर रहे थे, मुझे फिर अभी अच्छा काम नहीं देती, मुझे भी करना था। चलो चलो चलो, ऐसे प्यार से हमें बचपन में किसी ने नहीं सिखाया। हम अगर किचन में कभी कुछ बनाने जाते थे तो फ्रेंड्स पूरा फैला आते थे, और फिर 1 दिन 2 दिन तक अम्मी सुनाती थी, इस चक्कर में मैंने ज्यादा कुकिंग की नहीं, लेकिन तब भी तुम्हें कुकिंग आती है काफी हद तक। हाँ आती है, बस पता है फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, आप लोग बोलते हो कि एक से कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, जो भी होता है रियल दिखा देती हूँ। तुम अनाड़ी नहीं हो तो। मैं आपसे सोचती हूँ कि जो हूँ मैं वो मैं आपको दिखा दूँ। बहुत सारे लोगों से चीजें बिगड़ जाती है, लोग कैमरे में नहीं दिखाते, उसे कट कर देते हैं, छुपा देते हैं, या फिर दोबारा फिर उसको ट्राई कर लेते हैं। जो असलियत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इस मामले में आप मेरा मजाक उड़ाए, मुझे बुरा बोले, जो भी करे मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आप मेरी फैमिली को आप जो भी बोलोगे मैं उसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ। तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाता। हर एक इंसान सीखता है, हर एक इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता है। ब्रेड पकौड़ा है क्या? वही तो है जो आपने बोला, ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा नहीं, अल्ट्रा वड़ा पाव। कौन सा वड़ा पाव? अल्ट्रा। अबे भाई इसको तो यूपी में बोलते हैं ब्रेड पकौड़ा। ये पाव के अंदर आलू। और तुम क्या कर रही हो? ये शालूपी को ग्रीन टी। तुम्हारी बहने तुम्हारे लिए ग्रीन टी में गए, तुम लोग शालूपी की चमची हो। नहीं बहने मेरी, छोटे भाई बहन इसीलिए तो होते हैं, चम्मच गिरी करने के लिए नहीं, सपोर्ट करने के लिए। भाई ने मुझसे छोटे में बहुत कराया, ये उठा दो वो उठा दो, तो मैं उनसे करा रही हूँ। हमने नहीं किसी से कराया, आप खुद छोटे थे, बाजी आपको देती थी ऑर्डर थोड़े थोड़े, लेकिन लड़ाई बहुत होती थी। सनी ये ले यार, सनी वो ले यार, जब कराती होगी याद नहीं, लेकिन बड़े में लड़ाई फिर हो जाती थी। सब भाई बहनों की लड़ाई होती है, उसमें तो प्यार होता है। तुम लोग क्या मेरी बुराई कर रहे हो? अरे मैंने कहा जब तुमने बनाया था तुम्हारी पे, तो ये पूछ क्या बोलते हैं, पूछ पूछ ही बोलते, तुम पूछ बोलती थी। मैं आराम से बाहर बैठी हूँ तो दोनों बोल रही, शालूपी के निकलती थी, गुलगुले में पूछ निकलती थी, ये निकलता था, क्यों बोल रहे हो? अरे जब तुम स्टार्टिंग बनाया तब ऐसे होता था ना ये? हाँ तो होता ही है, वो तो अभी भी हो जाता है। बोल रही हूँ बता रहे, हमने गुलगुले में देखा आपके हाँ। पूछ निकलते हुए साथ। मेरी बुराई करने में लगे हैं, शालूपी की पूछ निकलती है। तौबा, मेरी पूछ नहीं, मेरे गुलगुले की पूछ निकलती है। चला जल्दी से, हम लोग बच्चों ने बना लिया, जल्दी बोलो, तुम बोलो, तुम्हारा चैनल मेरा नहीं, बोलो। बन गया भैया वड़ा पाव, दिखाओ कहाँ है, दिखाओ भैया। बहुत खराब होती है, मिर्ची आती नहीं थी, डाल दिया तुम, डाल दे, मिर्ची फटी नहीं, फट फटनी हुई बस थोड़ी सी हुई। ये सनी भाई वाला है फ्रेंड्स, इन लोगों ने नई चीज बनाई है, पाव वड़ा, अल्ट्रा पाव, उल्टा है अल्ट्रा वड़ा पाव, मेरे हिसाब से उल्टा पुल्टा वड़ा पाव। जो भी है चलो खाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट में डिफरेंस होता है या नहीं। अल्ट्रा वड़ा पाव भाई है, डाला अंदर है।
ब्रेड पकौड़ा ज्यादा अच्छा है। भैया मैंने तो हमेशा ये वाला खाया है, तुम्हें ये नहीं तो मुझे यही पसंद है, ये भी बहुत अच्छा है। ट्रेवल कर रहे हो रास्ते में आपको तामझाम से बचना है कि कौन पाव निकाले कौन आलू डाले, तो घर में इकट्ठा बना के लेके चले जाओ। हमने बचपन से खाया ब्रेड पकौड़ा, अच्छा। हमने कभी भी नहीं खाया वड़ा पाव, इसलिए हमको ज्यादा पसंद है। दोनों ही बहुत अच्छे है भैया, गुड। तुम लोग खाओ और मेरे सामने से हटाओ। आज फाइनली इसकी धूल साफ करने का टाइम आ चुका है, आज हम करेंगे इस पे वॉक। आप मेरे ट्रेनर हैं? हाँ। कितनी देर करना है? एक घंटे। एक घंटा? तुमको मैंने आज पीटी उसे बनने के लिए थोड़ा ना बोला है कि आज करती रहोगी। आपने बोला 30 मिनट। कितना हो गया अभी? 37। लेकिन तुम मुझे आज पसली लग रही हो। फ्रेंड्स पता है मैंने एक नई चीज सीखी है, मेरा मन नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता ये काम में। हाँ। तो व्लॉग्स देखते देखते, क्योंकि पता है क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लूंगी आपका ले लूं और फ्रेंड्स आपका भी, ये सब दिन भर करते हैं अपने कामों में बिजी रहते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, फिर जब रात में बिस्तर में जाते हैं तो फिर रहता है कि हम भी सबके व्लॉग्स देखें। वो देखते देखते क्या होता है और लेट हो जाता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अब से मैं क्या करूंगी, दिन में ही टाइम निकाल निकाल के जिसके भी मुझे व्लॉग्स देखने वो देख लूंगी। सभी मैं देख रही थी संभावना और अविनाश जी का व्लॉग। क्या ब्लड टेस्ट जो किया है तुम्हारे, ना 3-4 दफे उसने तुम्हारे उसकी घुसा दी है यहाँ पे। 42 मिनट्स फ्रेंड्स, एकदम से जोश आ गया है। मैं मतलब अपने आप बिल्कुल ध्यान रखूंगी अब, मतलब हो चुका है, मैंने अपने आप से कह दिया। तो डिनर में करूंगी मैं आज, डिनर में खाऊंगी नहीं, डिनर में पीऊंगी मैं आज सूप, लेकिन बनवाऊंगी मैं अम्मी से। लेकिन मैं थोड़ा सा उनका काम करके ले जाती हूँ, मतलब टमाटर को मैं बॉईल करके ले जाती हूँ। टमाटर निकाल रही है, इसको प्रेशर दे देते हैं, ऐसे डाल देते हैं ना, पानी डालेंगे। ऐसे नहीं बोला था मुझे, इसलिए मैं सो गई, यहाँ 3 घंटे सोई हूँ। सनी भाई की बीमारी तुम्हें लग गई, नहीं हो रहा ये हो रहा। कल घर में कुरान खानी है, दोनों एकदम न्यू लुक में चाहिए, बिल्कुल अच्छी सीधी। इतना उबलवा दिया कि उसके कपड़े उतर गए। अभी से तुम लोगों की जाने की तैयारी हो गई क्या? सारा सूटकेस पैक। लो अम्मी बनाओ सूप। अम्मी हम देखो, हमने आपको काम आसान कर दिया, टमाटर उबाल के लाए, बस आपको सूप बना के देना है। आज हम तो करवा ही लिया इसका, ये पूरा काम हम करेंगे। तो मैं फ्रेंड्स सनी के लिए बना रही हूँ एग भुर्जी, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। ज्यादा बनाना हमें ज्यादा कुछ वैसा नहीं पसंद, हाँ, बस जो फायदा करे, हाँ, जबान को कम अच्छा लगे, बस विटामिन दे दे। ये किस लिए आई हो? ये आवल आई है, ये वो होता है स्पॉन्ज पेंटिंग करते ना, ऐसे करो वॉल वैसे वैसे बन जाएगा। बना दो हमारे न्यू फ्लैट का इंटीरियर डेकोरेटर, तुम बन जाओ। एक पेज पे करूंगी मैं। ये कौन सा नमक है? पिंक वाला सेंधा नमक। कल से अम्मी आपको रोज अलग अलग सूप बना के देने हैं, ठीक है? ठीक है। सूप भी बोला ना, हरी वाली गोभी। गोभी नहीं खा सकते हम थायराइड में, हरी वाली नहीं वाली, नहीं कुछ भी नहीं, एक दो पीस डालेंगे बस। नहीं नहीं, मक्का ही लाना। आ गया अम्मी का स्पेशल सूप, थैंक यू अम्मी। अच्छा अम्मी मुझे सादा ही चाहिए था। हाँ, जल्दी जल्दी को जल्दी बना के दो, 5 मिनट के अंदर। रात में सारे काम हो जाने के बाद मैं और सनी थोड़ी देर देखने लगे कुछ नेटफ्लिक्स पे न्यू वाली सीरीज। सब लोग आज वेब सीरीज देख रहे थे जो कि न्यू आई है, किलर सूप करके। अट्रैक्टिव तो लग रही थी, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं मनोज बाजपेयी, लेकिन अभी फर्स्ट एपिसोड तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा था, अभी हमने बंद कर दिया। सोते हैं क्योंकि कल इंशाल्लाह हमें घर पे न्यू वाले घर में कुरान खानी करानी है। नाजा कला और सारा के जाने का भी टाइम आ गया, तो इंशाल्लाह जो भी करेंगे वो आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि कल तो हम जिम गए थे, साथ साथ मैंने आज घर पे उतना ही हावे भी कर लिया है, मतलब मिस नहीं किया है। अपनी दवाइयाँ जो है डॉक्टर ने लिख के दी वो भी चालू कर दी है, बस सनी नेक में पेन है, दुआ करिए कि वो सही हो जाए। व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद हम वो पोर्शन लगा रहे हैं जो कि बिजनेस का, आपको बताने के लिए। आप सबने बहुत सारे गैसेस किए थे, इसमें आपको आगे पता चल जाएगा। काम हो रहा है प्लम्बर वाला, यहाँ पे बहुत धूल धक्का उड़ रही है, यहाँ पे चल रहा है काम। और जैसा आपको पता था कि हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारा बिजनेस आपको चेक करना था तो मैं क्या हुआ किस चीज का है। तो ये है बेसिकली रेस्टोरेंट, जहाँ पे मुगलई गुजर पूरा और नॉर्थ इंडियन फूड पूरा मिलेगा इंशाल्लाह यहाँ पे। साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चाइनीज भी इसमें ऐड करें। ये हमारा ऑलमोस्ट किचन रेडी हो गया है, इसमें बस खाली थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है। ये हमारा पर्टिकुलर एक किचन है, और आइए अंदर दिखाता हूँ और भी है। ये जो एरिया है ना, ये पूरा सिटिंग एरिया रहेगा, वॉशरूम है जो कि बेसिक नीड है, वॉशरूम तो बेसिक नीड है किसी भी रेस्टोरेंट की। इंशाल्लाह बस आप लोग की दुआ से यहाँ तक पहुँच गए, आगे भी हमारे काम के लिए और भी दुआ करिए। जिस जिसने भी हमारे लिए दुआ करी है सबको दिल से शुक्रिया। बस यही हमारा एक छोटा सा बिजनेस है,
इसमें हम मेहनत करेंगे ताकि इसमें अल्लाह ताला हमको और तरक्की अता फरमाए। तो सब कुछ आपसे बता दिया, जो जो हमारा बिजनेस था कैसे क्या है, लेकिन जो मेरा बिजनेस पार्टनर है वो भी आपसे दो लाइन लाके कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही भाई, बराबर का पार्टनर है तो आ जाओ भाई। यही था हमारा बिजनेस की हम एक छोटे से खाने की जगह खोल रहे हैं। आप में से काफी लोगों को पता था कि मुझे कैफे पसंद है, हमने कैफे भी सोचा था, बट हमने सोचा पहले रेस्टोरेंट कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। कैफे इंशाल्लाह कभी मेरे उसमें विश लिस्ट में है, अल्लाह ने बरकत दिया, अगर ये थोड़ा ठीक हो गया तो फिर मैं अपना कैफे अलग से खोलूंगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी आपको दुआ करनी है कि इसमें हमें अच्छा मतलब अल्लाह तरक्की दे, और आप सबको सजेशन भी देने हैं, और जो भी है फिर इंशाल्लाह जो इधर आ सकते हैं तो वो आएंगे, अभी इसके लिए बहुत टाइम है। अभी के लिए बस हमें आपसे यही शेयर करना था और आप सबको थैंक यू कहना था। और हाँ बस, लेकिन आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने डराया भी कुछ काम नहीं करते हैं, चले जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन हम ऊपर वाले का नाम लेकर और आप सबकी दुआओं के सहारे, अपने माँ बाप की दुआओं के सहारे हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमने और सनी ने बहुत टाइम पहले से सोचा था, मतलब जब से हमारी शादी भी नहीं हुई थी, मतलब सोचते थे कि हम कभी करेंगे, और बहुत टाइम से हम लोग कुक्स ढूंढ रहे थे, लेकिन कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है। अभी हमें कुक्स मिले हैं बस, लेकिन हमें हर एक इंसान यही डराता है कि कुक्स भाग जाएंगे और सनी के हमारे होश उड़ जाते हैं, लेकिन ट्राई करना चाहिए। अगर हम इस डर से ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने लोगों ने खोला है तो पता नहीं। देखो हमारा काम है मेहनत करना, आगे अल्लाह की मर्जी है, तो हमने बस स्टार्ट कर दिया है। हर चीज हमने अल्लाह की मर्जी पे कर दिया, मेहनत करना हमारा काम, बाकी रिस्क देना और सब कुछ करना, कामयाब करना अल्लाह ताला की मर्जी। तो बस अभी हम चलते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बहुत सारा प्यार देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आ जाओ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।